राजधानी दून के प्रेस क्लब में जन हस्तक्षेप द्वारा किशोर उपाध्याय की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दिहाड़ी मजदूरों के लिए बने हुए कानून और कल्याणकारी योजनाओं पर अमल न करने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है, तब से निर्माण और दिहाड़ी मजदूरों के लिए बने हुए कानून और कल्याणकारी योजनाओं पर अमल ही नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि सत्याचार के खिलाफ उत्तराखंड के विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों की ओर से राष्ट्रपति को शिकायती पत्र भी भेजा जा रहा है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि साल 2016 में मजदूरों के संघर्षों के बाद हजारों मजदूर को साइकिल और टूलकिट मिले थे, जो मजदूरों का कानूनी हक है, लेकिन मार्च 2017 से अब तक न तो एक भी साइकिल और न ही टूलकिट दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रम विभाग से बाहर के अधिकारियों को निर्णायक पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। ये हमारे पास सरकार के पास 200 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, गरीब लोग हैं, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से ये पूरा योजना ठप हो गया है। एक भी साइकिल और एक भी टूल किट 1.5 साल में नहीं दिया गया है, टेंडर तक नहीं निकाला गया है, पंजीकरण नहीं हो रहा है लोगों का, गैर जरूरत गैर कानूनी शर्तें लगाया जा रहा है, शायद भ्रष्ट अधिकारियों के लिए मौका देने के लिए, जो श्रम विभाग में अधिकारी है ही नहीं, जैसे मैडम दमयंती रावत जी, उनको पद दिया जा रहा है कल्याणकारी बोर्ड में, जिसमें 200 करोड़ के ऊपर फंड पेंडिंग है इन लोगों के लिए। और हमारे साथ जो बैठे हुए मजदूर साथियों, वो खुद आपको बता सकते हैं कि सालों से इंतजार कर रहे हैं अपना हक के लिए। हमारे पास आज लिस्ट है कि ये 70 के ऊपर मजदूरों का जानकारी है जिन्होंने अप्लीकेशन दिए है जनवरी 2017 से अगस्त 2017 तक, हम लिस्ट दे रहे हैं। इस पे कोई जवाब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है, आरटीआई के लिए भी कोई जवाब नहीं है। और सब साथियों को जो जन हस्तक्षेप से जुड़े हुए लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग और जिसको कि सरकार से सेवा की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उससे कमजोर कौन होगा? जो दिहाड़ी मजदूर जो रोज सुबह उठता है, मेहनत करता है और शाम तक मेहनत करके किसी तरह से फिर अपने बच्चों के लिए दो जोड़ की रोटी की व्यवस्था करता है। शंकर गोपाल जी ने, समर भंडारी जी ने, हमारे बहुत साथियों ने आज यहाँ पर जो प्रेस की है, क्योंकि अब कमजोर की आवाज़ को उठाने वाले लोग बहुत कम रह गए। अब ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, कितना समय है जो है बजट में खर्च करने में, और वो खर्च नहीं हो पा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो शंकर गोपाल जी ने, समर भंडारी जी ने, इनके साथियों ने, त्रिवेंद्र सिंह चौहान जी जब मैं अध्यक्षता मेरे पास आए थे, और इसी तरह की स्थिति उस समय भी थी, मेरे ख्याल से इतनी जागरूकता था, और चाहे मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जब वो चले गए तो प्रथम पृष्ठ पर जगह दी, वो सोचते रहे। मेरे ख्याल से ये इस तरह की जो एक वितृष्णा है वो मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात नहीं है। तो हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उन्होंने जो मुद्दे रखे हैं उसके साथ अपने को संबद्ध करते हैं। मुझे अच्छी मैं जन हस्तक्षेप के सभी साथियों को, समर भंडारी जी, शंकर गोपाल जी, त्रिवेंद्र सिंह चौहान जी, अपूर्व जी और भी जो साथी, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत सही समय पर, पहले भी विधानसभा में भी वो भी किया था प्रदर्शन हम लोगों ने, जो समाज के सबसे अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, परिवार है, जिसको हम दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, जो सुबह जा करके मेहनत करके और शाम तक किसी तरह से अपने बच्चों के लिए दो जून की रोटी जो है उसकी व्यवस्था करता है, उसकी सबसे ज़्यादा उपेक्षा इस सरकार में हो रही है। तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आज आपने हम सब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को हम एक चिट्ठी भेज रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार ने पैसा भेजा है और ये सरकार
मजदूरों की उपेक्षा करेंगे। जैसे पिछली सरकार में था, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ मिलती थी, उनको काम करने के लिए किट्स मिलती थी, वो सारी व्यवस्थाएँ थी। उस सब को इस सरकार ने जो है वो रोक दिया है, और वो पुनः या उसमें जो अवैध नियुक्तियाँ हो रही हैं उसके बारे में हम महामहिम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम जो है उस वर्ग की उपेक्षा ना हो। और क्योंकि ये अब त्योहारों का भी समय है, तुरंत ही सरकार को वो पैसा रिलीज़ करना चाहिए। पैसे पहले जैसे यहाँ पर पूरे कैंप लगे थे हज़ारों की संख्या में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हज़ारों हज़ारों जो है वो मज़दूर उससे लाभान्वित हुए थे, उसको दोबारा जो है किया जाए और तुरंत किया जाए, इसका संज्ञान लिया जाए। और हमको ये लगता है कि उस पैसे का जो 200 करोड़ से भी अधिक है, भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को उससे लाभान्वित करना चाहती है, उसको रोका जाए, इसलिए हमने आज आपको यहाँ पर तकलीफ दी। मैंने तो उसको मैं पहले ही अपनी बात रख दी है कि जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड नाम दिया था इन्होंने, लेकिन बाहर इन्होंने काफ़ी साहब ये इन्वेस्टर समिट है, मुझे लगता है वो पूरी तरह से फ्लॉप है। उसमें 60 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है वो बर्बाद हुआ। जो बड़े जो पूंजी निवेश वाले थे वो तो कोई आए ही नहीं, पहली बात ये है। दूसरा, वहाँ मुख्यमंत्री जी को जो स्थल था जहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहना पड़ा कि भाई आप पीछे बैठो, जो है जो लोग भारतीय आरक्षण थे कम से कम उनको बैठने की जगह दे दें। जिस तरह की अफरा तफरी जहाँ हो, आप कह रहे हैं कि 1.25 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात है। अरे भाई, आपके पास ना जगह है, ना संसाधन है, ना आपके पास जो है कच्चा माल है, तो वो कहाँ 1.25 लाख करोड़ रुपया लगेगा। तो मैं तो आपके माध्यम से उनको चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं चैलेंज क्या करूँगा, मैं तो सारा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उत्तराखंड की जनता से उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई आप 2022 तक आपका वह है टेन्योर है, अब कुछ तो कह नहीं सकते ना। भाजपा में पता चला कि जो उस उनकी विचारधारा में विश्वास ही नहीं रखते, उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो अलग बात है। अगर वो 1200 करोड़ रुपए की भी जो है उस हिसाब से यहाँ निवेश करवा देंगे 1,25,000 करोड़ के बजाय, तो मेरे ख्याल से मैं उस समिट को सफल मानूंगा। एक पैसा कहीं कुछ लगने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी की जैसे आजकल रामलीलाएँ हो रही हैं, उसी तरह से उनका व्यवहार है। अब रामलीला में माँ सीता होती हैं, भगवान राम होते हैं, सब उनके पैर जो है पूजते हैं, उसके बाद जब लीलाएँ समाप्त हो जाती हैं तो सब साधारण किशोर उपाध्याय जैसे साधारण व्यक्ति हो जाते हैं। तो वही इस इवेंट का भी हसर होने वाला है। और मेरे ख्याल से इन्होंने समय का भी दुरुपयोग किया, उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं का भी शोषण किया है, और इसका भारतीय जनता पार्टी को लंबा नुकसान है। हम इसलिए जन हस्तक्षेप के बैनर तले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया है कि जब से ये सरकार आई है तब गरीब दिहाड़ी मजदूरों के लिए जो कानूनी हक होते हैं, जैसे उनको छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए शादी में सहायता मिलना चाहिए, मृत्यु के लिए मुआवजा मिलना चाहिए, साइकिल और टूल किट मुफ्त में मिलना चाहिए, ये सब उनके कानूनी हक है केंद्रीय कानून के अनुसार। इस कानून का अमल ही नहीं हो रहा उत्तराखंड में जब से ये सरकार आई है। जैसे 2016 में हज़ारों लोगों को साइकिल और टूल किट मिला था, जब से मार्च 2017 से आज तक एक भी साइकिल या टूल किट नहीं दिया गया है कहीं पे भी उत्तराखंड में। दूसरी बात यह है कि हमारी ओर से 70 के ऊपर उदाहरण है, हमारी ओर से जो आवेदन गए हैं श्रम विभाग को, एक साल के ऊपर हो गए, उसमें कुछ आवेदक आपके सामने भी बैठे हैं मज़दूर लोग, उन आवेदनों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जवाब नहीं मिल रहे हैं। ये बात हम श्रम मंत्रालय की सचिव तक पहुंचवाए हैं, कभी भी कोई जवाब नहीं है। और ये इस जिसकी वजह से गरीब बच्चे, गरीब महिलाओं को उनके हक नहीं मिल पा रहा है। तीसरी बात यह है कि जब से ये सरकार आई है, जो वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है इन मज़दूरों के लिए, उसमें के अंदर अपॉइंटमेंट हो रहा है अधिकारियों का, जिनका जो श्रम विभाग से नहीं है, जिनका कोई अनुभव नहीं है, उनको बाहर से लाकर उनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, इस पे बड़ा शक बन रही है। और चौथा, हम कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से गैर ज़रूरत शर्तें लगाया जा रहा है पंजीकरण के लिए, लाभ के लिए, बाकी काम के लिए, जो कहीं कानून में नहीं है, और हमें लग रहा है कि ये भ्रष्टाचारी को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास है।
तो हमारी हम आज राष्ट्रपति जी को लेटर लिख रहे हैं राज्य के विपक्षी दल और जन संगठनों की ओर से कि ये केंद्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है उत्तराखंड में, उसका ठीक से अमल किया जाए। इसके बाद हम आंदोलन करने वाले हैं बस्तियों में और आगे बढ़ेंगे। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए देहरादून से हरीश शर्मा की रिपोर्ट।